मेरा बहुत ज्यादा पहले मन खराब सी। किस किस बात, किस बात से तेरा मन खराब था? मतलब कि कुछ लोग जो मैं मसीज भी कहते तू तो इन्नी सेवा करता दे तेरे फिर तीजी बेटी हो गई है। अच्छा, तो जब जब पहली हुई तब, सुनो ध्यान से, है ना, हमने गवाही में अभी सुना, जब पहली हुई तो कोई बात नहीं, पर जब सेकंड हुई तो थोड़ा मन में आया ना किस, है ना, फिर बेटी होगी, पर चलो ठीक है सेकंड बार तो चल गया, इतना नहीं। पर जब तीसरी बेटी हुई तो फिर बड़ा मन क्या हो गया, वो जो रिश्तेदारों वालों की बातें, संसार की बातें, मसीह लोगों की भी बातें, सारी वो बातों ने इनके ऊपर बुरी तरह प्रभाव डाल लिया। क्या डाल लिया? कि तुम तो चर्च भी जाते हो, तुम तो सेवा भी करते हो, तो तुम्हारे तीसरी भी क्या होगी, बेटी होगी, जिस कारण इसका मन क्या हो गया ना, बड़ा खराब हो गया। भाई जी, मतलब कि जड़े को बचा ना है, भाई इतना पैसे दी भी इतनी दिक्कत आ जाती कि सारीयां भैणां मेरीयां लाउंदियां पैसे। अच्छा, आपके खुद के पास नहीं होते थे पैसे? जी, आपकी जो बहनें हैं वो पैसे लगाती थी। हां जी, तीनों बार ऐसा हुआ। पर जब इस बार अपने मन को अच्छा करके परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया तो अब क्या हुआ? मतलब डबल ही हो गए। तो जिदा तुम दस दें कि परमेश्वर थोड़े लिए इंसानों तो भी अनुग्रह करे, मतलब वो स्वर्ग जिवें कि छप्पड़ फाड़ के देता है। हां हां जी, उसने स्वर्ग खोल दिया। हां जी बाबा जी, जब मन को अच्छा किया, खुद ने बेटा भी दिया और बेटे के साथ इतनी ब्लेसिंग भी दी। हालेलुया, इस ब्रदर का नाम जगतार सिंह है और इन्होंने नाल इन्होंने मिसेज है, उन्होंने नाम राजविंदर कौर है और जो अमृतसर मखनविंडी गांव के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही जे बता रहे कि इनकी मैरिज को 9 साल हो गए और जब जे सिस्टर प्रेग्नेंट थे तो जब इनके घर में पहली बेटी हुई थी और जे बता रहे कि उस समय तो जे खुश थे और जे बता रहे कि जब इनके घर में सेकंड बेटी इनकी हुई उस समय भी इनके मन में थोड़ा आया कि घर में फिर से बेटी आ गई, क्योंकि जे विश्वास में थे और लगातार जे चर्च अटेंड कर रहे थे और जैसे कि इनके मन में ऐसे तक थोड़ा जो भी इनके रिश्तेदार थे उनके मन में भी ऐसा आ गया कि आपके घर में फिर दूसरी बेटी होगी। और फिर जे बता रहे कि फिर भी इन्होंने विश्वास रखा कि परमेश्वर हमें देंगे, बेटे के साथ भी हमें ब्लेस करेंगे। और जे बता रहे कि फिर जे लगातार ऐसे चर्च तो आ रहे थे पर जब फिर से जे प्रेग्नेंट हुए तो तीसरी भी इनके घर में बेटी हो गई। तो जब तीसरी बेटी हो गई तो जे बता रहे कि उस समय इनका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जब बता रही कि जितने भी इनके रिश्तेदार थे, इनके भाई बहन थे, वो भी इन्हें बहुत सारी बातें करते थे कि तुम इतना चर्च जाती हो, क्योंकि जब ब्रदर वॉलंटियर टीम में था, प्रभु की सेवा करता था और सब इनको बातें करते थे कि तुम्हारे घर में फिर तीसरी बेटी हो गई है। तो सुनो, कौन इन्हें बातें करता था? जो इनके रिश्तेदार में इनके बहने थे वो भी, और जो चर्च जाते थे जो लोग वो भी इन्हें कहते थे। अच्छा, जो चर्च जाते वो भी ऐसे कहते थे? जी, जो इनके गांव के लोग थे वो जो इनके गांव के लोग थे जो चर्च जाते थे, और रिश्तेदार तो चलो ठीक है, अगर वो विश्वास नहीं करते तो वो तो कहेंगे, पर चर्च जाने वाले लोग भी ऐसे कहते हैं, है ना, तो सोचने वाली चीज़ है। जबकि चर्च वाले जाने वाले बंदे को तो क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए ना, पर देख लो इसे बोलते हैं नेगेटिविटी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं नेगेटिविटी। हाँ, आगे बताओ।
तो जिसके कारण फिर ये ब्रदर भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि इनके मन में भी ऐसे विचार आ गए थे। जब सब लोग इन्हें बातें करते थे तो इनके मन में भी था कि मैं प्रभु की इतनी सेवा करता हूँ, लगातार चर्च भवन में जाकर अपने काम से फ्री होकर भी प्रभु की सेवा करनी, ऐसे सुबह भी जल्दी जाना। तो जैसे कि इनके मन में बहुत विचार आ गए थे और इसके कारण जो बता रहे कि उसके बाद इनका मन इतना ज़्यादा परेशान हो गया था और जो परमेश्वर से 2.5 साल तक ऐसे दूर हो गए थे, चर्च आना तो नहीं छोड़ा पर फिर भी बहुत कम आते थे। 2.5 साल तक वो मन इन्होंने परमेश्वर को नहीं दिया जो कि इनको देना चाहिए था। और जब बता रहे कि फिर इनके मन में जब अपने काम काज में लग गए, जैसे लगातार संडे की चर्च को अटेंड करना, तो जो नहीं थे आते, कभी आ जाना कभी ना आना, ऐसे इनका जीवन बना था। और जब बता रहे जहाँ तक कि सेवा करने में भी इनका मन नहीं था और जो काफ़ी ज़्यादा परमेश्वर से दूर हो गए थे, क्योंकि जब भी जो संगति में आते जैसे सेवा के लिए अगर मन बनाते ही तो कभी कभी थोड़ा इनके मिसेज के मन में भी आ जाता था कि आप इतनी सेवा करते हो, तो जब बताते कभी कभी वो भी ऐसे कुछ इन्हें बातें करते थे, ऐसे कुछ जैसे कुड़कड़ाना, ऐसे उनका मन में बातें आ जाती थी। तो जैसे कि इनका दोनों का मन इतना परमेश्वर से जो विश्वास या प्रेम होना चाहिए वो नहीं रहा, तो ऐसे 2.5 साल तक है जो ऐसे बने रहे। पर खुदा को तो इन्होंने नहीं छोड़ा, पर फिर भी आ रहे थे, चर्च अटेंड करते थे। और जैसे कि ऐसे इनका समय बीत गया और जब बता रहे चर्च अटेंड मतलब रेगुलर करते थे, कभी कभार करते थे, कभी कभार, मतलब वो वाला मन नहीं रहा, पहले वाला मन नहीं। ये नहीं कि परमेश्वर को छोड़ दिया, थे मसीह में पर वो वाला मन नहीं जिससे कौन खुश होता है। बस नाम, जैसे कहते हैं ना, नाम के मसीह होना, कभी आगे कभी ना आए, अपने कामों में व्यस्त ऐसे हो गए थे। हाँ, आगे। और फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि जैसे ही के टीम के साथ परमेश्वर के दास ऐसे मीटिंग करते हैं, तो जब जनवरी महीने की मीटिंग टीम के साथ परमेश्वर के दास ने की, तो इस ब्रदर जी को भी मैसेज दिया गया कि आपने भी मीटिंग में आना है। तो उससे पहले जब बता रहे कि इनके मिसेज प्रेग्नेंट थे, तो इनकी प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए थे, जहाँ तक कि इनका मन जब प्रेग्नेंट हो गए थे, इनका मन ये भी नहीं था कि जे खुदा के दास को बताए कि परमेश्वर ने फिर से इन्हें ब्लेस किया है, इन्होंने ये भी बात नहीं बताई। पर जब इनको टीम की मीटिंग के लिए मैसेज दिया गया और जैसे जो ब्रदर मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए, तो फिर इन्होंने इस बात को बताया कि ऐसे 4 महीने हो गए मेरी मिसेस प्रेग्नेंट है। तो फिर उस समय खुदावन के दास ने इनको उत्साहित किया, इनके मन को, जो कि इनका मन परमेश्वर से ऐसे सही तरह नहीं था, तो इनको बताया गया कि देखो बच्चे तो यहोवा की मीरास है, तो परमेश्वर के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं। बच्चे मतलब लड़के यहोवा की क्या है, मीरास है ना, समझ रहे। आगे, तो आप अपना मन अच्छा करें, जो इतना समा आपने खुदा से दूर है, अपना समा खराब कर लिया है 2.5 साल, तो अभी आपने जितना आपके पास समय वो हर अपने मीटिंग को अटेंड करना है और परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। तो जैसे फिर इन्होंने इनके मिसेज और इस ब्रदर जी ने अपना मन बनाया और परमेश्वर के साथ इन्होंने एक अच्छा रिश्ता अपना जोड़ा, तो जैसे कि परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड सबको दिया गया था कि प्रभु बोस की मीटिंग के बाद 1 हफ्ते की प्रेयर होगी। तो जैसी प्रेयर थी, तो फिर इन्होंने लगातार दोनों ही जो प्रार्थना में भी आ रहे थे, इन्होंने प्रेयर मीटिंग को भी अटेंड किया और हर संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। फिर उसके बाद इनके लिए, बेबी के लिए, बेटिंग की ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना नहीं हुई थी, सिर्फ इन्हें वचन ही दिया गया था कि आप अपना मन अच्छा करें और जो लड़के वो यहोवा की मीरास है, इस वचन को लेकर धन्यवाद करें और सब मीटिंग में मीटिंग करें और जो खुदा ने आपको सेवा दी वॉलंटियर की वो एक अच्छे मन से करें। तो जैसे फिर इन्होंने इस वचन को पूरा किया, खुशी से परमेश्वर में इनका मन लगना शुरू हो गया, तो इनकी मिसेज का भी मन अच्छा हो गया, इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड किया। तो जब बता रहे कि जब फिर इनकी डिलीवरी का टाइम था, तो इन्होंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि जो बेबी के गल के द्वारे नाड़ू की प्रॉब्लम है और इसके कारण जो कि इनका ऑपरेट हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो उसके बाद फिर इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा इस सिस्टर के लिए ले एंड प्रार्थना हुई थी। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। यस, खुदा जो रिपोर्ट में ये आया है कि इनके जो बच्चे हैं उसके गले में जो नाड़ू की प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, क्या लिखा है, अच्छा जो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पर खुदा डॉक्टरों ने कहा है कि इसके बच्चे के गले में जो नाड़ू है
यीशु मसीह तेरी सामर्थ से, तेरी सामर्थ से खुदा, तेरी पावर से तूने प्रभु कहा मेरे नाम से जो कहोगे, यस खुदा तूने कहा मेरे नाम से जो कहोगे वो होगा। मैं तेरी जीव शक्ति से, तेरी सामर्थ्य नाम से जो शैतान ने इसके बच्चे के गले में जो नाड़ू ऐसे लपेटा है खुदा, तेरी जीव शक्ति से उसका नाड़ू खुल जाए, खुल जाए। शट शट नेम ऑफ जीसस खुदा, उसका नाड़ू गले से उतरे, छोड़े, उसका आंख से गले का नाड़ू वहां से उखड़े तेरी जीव शक्ति से खुदा, और इसके बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो, यस पिता। और तू निश्चय खुदा इसे ब्लेस कर चुका है, जो इसकी चाहत है खुदा ये हो चुका है। तो जैसे फिर इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रार्थना हुई थी, और जब इनकी डिलीवरी का टाइम आया तो जब बता रहे हैं कि जब इनकी डिलीवरी हो रही थी तो डॉक्टर ने भी इनको बताया, क्योंकि इनकी जो बेटियां थी तीन बेटियां भी नॉर्मल ही हुई थी, तो डॉक्टर का कहना था कि ऐसे तीन बेटियां जो नॉर्मल हुए थे, जो आपका भी जो जे केस है जो नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेट होना है, क्योंकि बच्चे के बेबी के गल के द्वारे नाड़ू की प्रॉब्लम है। तो पर इन्हें विश्वास था कि जो प्रार्थना परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की ओर से, निश्चय मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। और जब बता रहे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इनकी डिलीवरी थी, बहुत ही ज़्यादा समय भी लग गया था, पर जैसे जो प्रार्थना खुदावन की ओर से हुई थी उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को छुआ था। और जब बता रहे कि पूरी तरह से, जब बता रहे प्रॉब्लम तो बहुत आई, पर परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने इनको पुआए के साथ, आज बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। तो सच में इग्लेसिया, आज बड़ी गवाही इनके जीवन में परमेश्वर ने प्रकट की है, जो कि आज इनके जीवन में जो खुशी चाहते थे, आज खुदावन परमेश्वर इनको नॉर्मल डिलीवरी के साथ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और सब बातों के लिए धन्यवाद करते इस गवाही के लिए, और खुदावन के दास के लिए धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। तो इन्हें माइक दो, इनके मुंह से सुनते हैं थोड़ा, आप बताओ। जय मसीह बाबाई, दे दो माइक, दे दो, कोई बात नहीं। जय मसीह बाबाई, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह सारे बाबाई। मतलब कि मेरा बहुत ज्यादा पहले मन खराब सी। किस किस बात, किस बात से तेरा मन खराब था? मतलब कि कुछ लोग जेडे मेनू मसीह से भी कहंदे ले तू ते इन्नी सेवा करदा दे तेरे फिर तीजी बेटी हो गई है। अच्छा, जब पहली हुई तब, सुनो ध्यान से, है ना, हमने गवाही में अभी सुना, जब पहली हुई तो कोई बात नहीं, पर जब सेकंड हुई तो थोड़ा मन में आया ना कि, है ना, फिर बेटी होगी, पर चलो ठीक है, सेकंड बार तो चल गया, इतना नहीं। पर जब तीसरी बेटी हुई तो फिर बड़ा मन क्या हो गया, वो जो रिश्तेदारों वालों की बातें, संसार की बातें, मसीह लोगों की भी बातें, सारी वो बातों ने इनके ऊपर बुरी तरह प्रभाव डाल लिया। क्या डाल लिया? कि तुम तो चर्च भी जाते हो, तुम तो सेवा भी करते हो, तो तुम्हारे तीसरी भी क्या होगी, बेटी होगी। जिस कारण इसका मन क्या हो गया ना, बड़ा खराब हो गया। हाँ जी बाबा, हो गया। हाँ जी, फिर इन्होंने अपनी सेवा भी बंद कर दी, खुदा के घर में कभी कभी आना, नहीं आना, अगर आ गए तो, जब आते तो क्या दिल लगता था कि नहीं? नहीं बाबा, ये बाहर चल के बैठा रहे, मतलब बाहर जाकर बैठते। हाँ जी, जब भी कभी कभार आना और जाकर वो भी बाहर बैठ जाना, कोई वचन नहीं सुनना, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। जी बाबा जी, देखो इसका मन इतना ज्यादा क्या हो गया, खराब हो गया। क्या हो गया? मतलब तुम सोच लो इस हिसाब, इस तरीके से सोचो कि दुष्ट ने इसे पूरी तरह से अपनी जुक्ति में फंसा लिया, इसे भी और इसकी मिसिस को भी, इसकी पत्नी को भी। बस जुड़े हैं, ये नहीं है कि बस हैं प्रभु में, पर कर कुछ नहीं रहे, कोई प्रेस नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई वो वाला रिश्ता नहीं जो होना चाहिए, कुछ नहीं। बोलो क्या है? हाँ जी बाबा। पर एक बार जब मुझे ये मिले तो मैंने, है ना, जो यहाँ पे ये जितने भी बच्चे सेवा करते हैं हमारे, मेरे साथ, बोलो क्या करते हैं, ये मीडिया टीम, ये सारा जो वॉलेंटियर अलग अलग जितने सब अपनी अपनी सेवा करते हैं ना, तो उनकी मैं हर महीने मीटिंग करता हूँ,
क्या करता हूँ, हर महीने में मैं मीटिंग करता हूँ, तो मैंने टीम को कहा कि इसको इसको उस मीटिंग में बुलाओ, क्या बुलाऊं, और जब ये उस मीटिंग में आया तो जो मैं शिक्षा देता हूँ उस मीटिंग में, क्या देता हूँ बोलूँ, तो इसका दिल खुल गया। ऐसा ही हुआ था ना? हाँ जी बापा जी। इसका वचनों को सुनकर इसका दिल खुल गया, परमेश्वर ने इसे छू लिया, क्या कर लिया, और तब परमेश्वर ने इसे ऐसे वचन दिया। अभी आपने गवाही में सुना ना, इनकी पत्नी को 4 महीने का टाइम था, ये इतना मन खराब हो गया कि हमें खुशी से बताऊं कि परमेश्वर ने फिर से ब्लेस किया, हमारे लिए प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं, 4 महीने बीत गए तो भी कुछ किसी से कोई बात नहीं, कोई टीम से नहीं, मुझसे नहीं, कुछ नहीं, इतना मन खराब हो गया। पर जिस दिन उस दिन ये उस मीटिंग में आए और जो खुदा ने मेरे मुंह से वर्ड दिए, इसकी पूरी लाइफ को, इसके जीवन को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया। क्या बदल दिया? ये महीना महीना, एक एक महीना, उससे भी ऊपर ऊपर, ये चर्च आता ही नहीं था, कभी इधर काम करने चले जाओ, किसी कंपनी में चल जाओ, कहीं उधर चल जाओ, बस ऐसे इसका मन था। नहीं तो पहले पहले जो इसका दिल था इतना ज्यादा प्रभु के लिए था ना, पर धीरे धीरे देख लो शैतान ने इसे किस तरफ इसके जीवन का मोड़ मोड़ दिया है ना। पर सही समय पे परमेश्वर ने इस पर अनुग्रह किया, जब उस दिन इसने वचन को सुना, इसका दिल, इसकी आत्मिक आंखें खुल गई ना मन की, तो इसका मन ऐसे एकदम से इसने अपने मन को फिराया कि नहीं है ना, मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने परमेश्वर ने मेरे मुंह से वर्ड दिया, तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि बाइबल तो कहती है कि लड़के यहोवा की मिरास है, तुम अच्छा विश्वास रखो, मन अच्छा रखो, मन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब ऐसा मन किया फिर ये लगातार, फिर लगातार आने लगे। हाँ जी बापू। फिर 4 महीने के बाद ये लगातार, मतलब कितने महीने, 5 महीने ना, फिर 5 महीने ये लगातार डिलीवरी होने तक, लगातार ये खुद भी और इनके मिसेस भी लगातार आने लगे, जो प्रभु भोज के बाद यहाँ पे है ना, एक हफ्ते की प्रेयर होती, फिर उसमें भी आने लगे, सब कुछ वो करने लगे जिससे कौन खुश होता है, जिससे कौन खुश होता है, परमेश्वर है ना। तो खुदा की खुश करने वाला वो सारे पॉइंट तो पूरे करने लगे, पर बीच में शैतान ने फिर टांग अड़ा दी। हाँ, अब बच्चा के आपने अभी सुना ना, उसके गले में क्या दे दिया, नाड़ू दे दिया, और तीनों बच्ची जो उनकी बेटियां सारी नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं, और अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेट होगा। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि जिस स्त्री का ऑपरेट होता वो मामूली है कि 1 महीना वो बेड से उठ नहीं सकती, पर इनके अच्छे मन से, जब इन्होंने मन को अच्छा किया, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया, फिर से अपनी सेवा को उसी तरह से बरकरार करने लगे, क्या करने लगे बोलो, फिर से उसी तरह से सेवा को करने लगे, और खुदा ने एक बड़ा अनुग्रह कर दिया। आप बता रहे थे कल भी, आप कल भी मीटिंग थी ना, कल भी आप बता रहे थे, वो चीज बताओ जो आप बोल रहे थे कि जब भी मेरी बेटियां पैदा होती थी तो मुझे मांगना पड़ता था। बाबा जी, मतलब बच्चा इतना पैसे इतनी दिक्कत आ जाती कि साड़ियां भैणां मेरियां लाउंदियां पैसे। अच्छा, आपके खुद के पास नहीं होते थे पैसे जी, आपकी जो बहनें हैं वो पैसे लगाती थी। हाँ जी, तीनों बार ऐसा हुआ। हाँ जी। पर जब इस बार अपने मन को अच्छा करके परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, तो अब क्या हुआ फिर? इस बार तो पापा जी बहन मतलब डबल ही हो गए, तो जिदा तुम दस दें कि परमेश्वर थोड़े लिए इंसानों तो भी अनुग्रह करे, मतलब उस स्वर्ग जिमें के छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ हाँ जी, उसने स्वर्ग खोल दिया। हाँ जी पापा जी, जब मन को अच्छा किया, खुदा ने बेटा भी दिया और बेटे के साथ इतनी ब्लेसिंग भी दी। क्या दी? अब किसी को, अब किसी से मांगना नहीं पड़ा ना, पहले तीनों बेटियों की बार मांग रहे हैं, इनकी बहनें पैसे लगा रहे हैं, अब किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नहीं पापा जी, इतनी खुदा ने ब्लेसिंग भी दी, आशीष भी दे दी ना। हाँ जी पापा। अब आपको लोग बोल रहे हैं आपको चाहिए तो ले लो। हाँ जी पापा। देख लो खुदा का, वो कहते चाहिए तो ले लो पैसे,
पर खुदा ने इसे बहुत दिया। पहले भी आपने इसकी गवाही सुनी, जब मन अच्छा किया ना, 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद मन अच्छा किया। ये कितने लंबे समय से आप काम क्या करते हो? मैं पापा सब्जी का काम करता हूं। सब्जी का काम करते हो? किस चीज पे जाते हो? पहले मैं साइकिल पे जाना है पापा जी। साइकिल पे जाते थे? हाँ। तो फिर आप बाइक ले? हाँ, उन परमिशन बाइक के देता फिर सब्जी ली। नहीं, बाइक अकेला बाइक के वो क्या बोलते थे आप उसके पीछे? नहीं, अजय लोग होनी पापा जी रेडी, वो रेडी लेवानी है। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, क्योंकि पहले साइकिल पे जाता था, अब बाइक भी मिल गया। अब थोड़े दिनों के बाद वो क्या लग जाएगी? आप प्लांट की बात नहीं बोल रहे थे? हाँ जी पापा, प्लांट तो मैं ले लगा, पर मैं बाद च रहता। वो तो कह रहे जे भी नहीं तो जितना मर्जी पैसे दे दो ले लो। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि जब भी पैसे असी दे देने हैं। हाँ जी, पर अभी आप रुक गए हो? हाँ जी पापा जी, अभी रुक गए हो, पर वो भी ब्लेसिंग खुदा ने एक किस्म से आपको दे दी है। ये देखो, ये सब रस्ते कब खुलने शुरू हुए? जब मन को अच्छा किया। क्या किया? जब मन को अच्छा किया ना, खुदा के साथ अपने रिश्ते को सही किया। आज आपके सामने आज खुदा ने बेटा भी दिया और साथ में ब्लेसिंग भी बड़ी दी है। किसी के से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या नहीं दी? बड़ा काम कर दिया खुदा ने। तारीफ कर दो इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। तू तने तू मम चई बचे तोड़ बचे शहनाई। अब नाच लो, जो नाचना चाहते हैं वो नाच लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर, वादों का परमेश्वर, पर वो सारे काम एक अच्छे मन से करता है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा था कि शुद्ध मन वाले किसे देखेंगे? बोलो क्या है? क्या यीशु मसीह ने कहा था? शुद्ध मन वाले किसको देखेंगे? अब ये सारी खुशियां, सारी आशीषें देख रहे हैं। जिनके पास नहीं है बेबी, वो भी देखने वाले हैं, वो भी इसी तरह से ऐसी गवाहियों से आने वाले हैं। तारीफ करो फिर से जोर से। दूतने धूम मचाई बजे ढोल बजे शहर ते मोचा हो गया, ते मोचा हो गया, ते मोचा हो गया, ते मोचा हो गया। आज दिन खुशियां दा चढ़िया जदों दा हाथ यसू ने फड़िया, ते मोचा हो गया, 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 ते मोचा हो गया। तो सुनो सर, तो सुनो सारे, ये जो कुछ भी इन्होंने ये सारा कुछ आदर के लिए, ये ना कल बोल रहे थे कि पापा जी आपको ना कपड़े लेकर देने हैं। तो इन्होंने ये कपड़े बड़े कॉस्टली ले लिए, बड़े महंगे लिए, और मैं बोल रहा था कि नहीं नहीं इतनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेहनत करते हैं। बोलो क्या करते हैं? पर मैंने देखा कि अब जब अच्छा मन खुदा करता है तो कोई कंजूसी नहीं। बोलो क्या है? कोई कंजूसी नहीं की, हर चीज के लिए इसका दिल बड़ा है। बोलो क्या है? तो मैं बोल रहा था कि अच्छा ओके ठीक है, तो ये सारे गिफ्ट, ये जितनी भेंटें हैं,
परमेश्वर सचमुच इसे स्वर्ग से आशीष दे चुका है। क्या दे चुका बोलो? तो वो इसे दे चुका है क्योंकि जैसे लिखा ना, हर्ष से, खुशी से देने वाले से कौन खुश होता है? वो खुदा खुश होता है। तो ये जो कुछ भी कर रहा है ये हर्ष से, ये खुशी से कर रहा है और दिली कर रहा है, दिली है ना। और जो कुछ भी इसने ये सारी भेंट, ये गिफ्ट जो किए हैं वो खुदा को स्वर्ग में पसंद आ चुके हैं और उसका आज़र भी इसे दे चुका है, उसकी बरकत भी दे चुका है। आपको पता है परमेश्वर कभी भी किसी का वो लेकर रखता, कितनों को पता है, वो कभी भी किसी का लेकर रखता नहीं है। जो कुछ भी ये इसने खर्च किया ना, खुदा इसको चौगना वापस देगा। ओके, तो अभी हम एक प्रार्थना करेंगे फिर से। तो अभी नाम भी खुदा ने इसे, ये कह रहे पापा जी आप ही नाम रखो, तो इसका मैंने नाम रख दिया है यशपाल। क्या रख दिया बोलो? यशपाल। इस नाम में बड़ी आशीष है, बोलो क्या? इस नाम में बड़ी आशीष है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करो। यस खुदा बंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बच्चे यशपाल के लिए खुदा, जिसको तूने अपने अनुग्रह से इनके जीवन में पैदा किया। बेशक चाहे परमेश्वर इन्होंने अपना टाइम खराब किया, अपने टाइम को खराब किया, खुदावंद तू तो सच्चा है, तू तो वादों का परमेश्वर, तू धोखा नहीं देता। पर खुदावंद तेरा वचन कहता है कि तू नियमों और कानूनों का परमेश्वर, नियम के बाहर कुछ नहीं करता। इसलिए खुदावंद जब तूने अपने दास अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें वंश दूंगा, उसके भी बड़े साल खराब हुए, पर तूने 24 साल बाद भी उसे दर्शन देकर कहा था कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। यस खुदा, बेशक चाहे इसने उसी तरह से अपने टाइम को बेटियों के कारण मन खराब किया, पर सही समय पे परमेश्वर तूने अपने दास की अगुवाई की, इसे वचन दिया, इसके मन को खोला, इसकी पत्नी के मन को खोला। और इस बार परमेश्वर तूने इसे स्वर्ग से अपने वचन के अनुसार, तेरा वचन कहता है कि लड़के यहोवा की मीरास है, और तूने उस आशीष वचन से खुदा जो इसे आशीष किया है, इसे ब्लेस किया खुदा, इसे आज बेटे के साथ ब्लेस किया है, जिसका नाम खुदा तूने स्वर्ग से दिया है यशपाल। मेरे खुदा अपने दास के मन में जो डाला है, निश्चय प्रभु ये बच्चा जैसे जैसे बढ़े, इस घर की बड़ी आशीष का कारण बने, उस गांव के लिए आशीष का कारण बने, तेरी महिमा का कारण बने खुदावंद, और जैसे जैसे बढ़े तेरे नाम को ऊंचा करे। यस खुदा, मैं मांगता हूं खुदा कोई अंधकार की शक्तियां इसके जीवन को चुरा ना पाए, इस पर सदा, अब से लेकर सदा तक तेरा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से होता रहे। आमेन। तारीफ कर दो एक बार जोर से। ये केक किसका ही है? हाँ? ये केक इसलिए है कि खुदा के नाम को महिमा के लिए। ठीक है, ओके ठीक है, तो पकड़ो खुदा की दस, पकड़ो, हाँ पकड़ो। तो तारीफ करें जोर से, जोर से। खुश हो? तो तारीफ कर दो इन सब बातों के लिए एक बार जोर से फिर से, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो वादों का परमेश्वर है। सुनो, आपको पता है कि वो सब कुछ अच्छे मन से करता है और नियम से करता है, और जितने लोग भी अपने मन को अच्छा कर लेते हैं, उसके नियम में आ जाते हैं, उसके लिए फिर सब कुछ हो जाता है, जैसे इसके लिए हो गया। आमेन। ओके जी, प्रभु तुम बहुत सारियां बरकतें दे चुका।